और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करा देते हैं। भोपाल से ये खबर है जहां विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने वैक्सीन लगवाई है। खुशीलाल आयुर्वेदिक अस्पताल में वैक्सीन लगवाई है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने वैक्सीन पर सवाल खड़े करने वालों को उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा, सवाल तो भगवान राम पर भी खड़े हुए हैं। कृषि मंत्री पटेल ने भी वैक्सीन ली है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने टीका नहीं लगवाया है। देखिए ये खबर भी सामने आई है कि राजनीति इस तरह से सर चढ़कर बोल रही है नेताओं के कि वो अपनी जान को भी दांव पर लगा रहे हैं। पीसी शर्मा साहब टीका नहीं लगवा रहे हैं और इसको लेकर खास बातचीत की है हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता ने विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम से। कोरोना को खत्म करने के लिए अभियान जारी है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने अभी कुछ देर पहले कोरोना का टीका लगवाया। सर, टीका लगवाया, कैसा अनुभव कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो टीका नहीं लगवा रहे हैं? नहीं, टीका सबको नहीं लगवा रही है तो कोई, पर सबको लगाना, जिसका जैसा नंबर आता जाए। अभी तो 60 साल से ऊपर वालों को लगना। पहले हमारे जो फ्रंट वॉरियर थे, मेडिकल स्टाफ था, बाकी इस तरह के जो काम करने वाले थे, पहला उनको लगा। अब इसके बाद 60 साल के ऊपर वालों को लग रहा है और जिसका नंबर जैसा आता जाए सबको लगवाना चाहिए। जो लोग सवाल खड़े कर रहे थे, कई पार्टी ने भी सवाल खड़े किए कोरोना वैक्सीन को लेकर, उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि तो पीएम साहब ने खुद जवाब दिया था आगे आकर वैक्सीन लगवाकर। नहीं, कहेगा किस बात का? जो कोरोना वैक्सीन पर कुछ तरह के सवाल भी खड़े किए थे कुछ लोगों ने। नहीं, ये सवाल तो खड़े होंगे, सवाल तो भगवान राम पर भी खड़े हुए। कृषि मंत्री कौल पटेल जी हमारे साथ हैं। सर, कोरोना वैक्सीन लगाया है आपने? नहीं, अच्छा है। मैं हमारे देश के वैज्ञानिकों को, प्रधानमंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्री जी भारत सरकार को बधाई देता हूं कि अपने देश में हमने बहुत बड़ी महामारी विश्वव्यापी कोरोना COVID-19 उसके ऊपर विजय प्राप्त की है। कोरोना का वैक्सीन ईजाद किया है और हमने लगाया है, उससे सुरक्षित होता है, सभी लोग लगाएंगे और पूरा देश से कोरोना हटेगा। बिल्कुल, सभी लोग वैक्सीन लगवाएंगे और देश से कोरोना हटेगा। पूर्व मंत्री पी शर्मा जी हमारे साथ है। शर्मा जी, कोरोना वैक्सीन लगवाया? मैंने अभी नहीं लगाया, लेकिन लगाऊंगा अभी। तो सर, क्या कहना चाहेंगे कोरोना वैक्सीन को लेकर? कमल पटेल जी ने भी लगवाया है और विधानसभा अध्यक्ष ने भी। विधानसभा अध्यक्ष जी लगा रहे थे, उनका फोन आया था कि आपका विधानसभा क्षेत्र अब आई है, तो उनके कॉल पर मैं आ गया। और निश्चित तौर पर कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगाना पड़ेगा। मेरा भी कोई नंबर आया नहीं है, मैं एंटीबॉडी हूँ ऑलरेडी, दो कोरोना हो चुका है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि फिलहाल मैंने कोरोना का वैक्सीन नहीं लगवाया, लेकिन जब मेरा नंबर आएगा तो मैं वैक्सीन लगवाऊंगा, मेरे अंदर एंटीबॉडी है क्योंकि मुझे कोरोना हुआ था। तो स्पष्ट है कि सभी लोग कोरोना को खत्म करने के लिए वैक्सीन लगवा रहे हैं, वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने भी यही कहा कि मैंने वैक्सीन लगवाया है क्योंकि मेरा नंबर आया था और सबको वैक्सीन लगवाना चाहिए। कैमरा पर्सन मनीष के साथ वैभव गुप्ता, अनादि टीवी, भोपाल।